शुरू करूं अब मैं? अरे बिल्कुल धीरे बोल लूंगा भाई मैं तो। दीपक देख रहा है ना बेटा, लगा निशा चालू करती थी ना, मेरा टॉपिक व्याकरण का बेटी आज ऊपर। देखो बेटा उस दिन मैंने आपको एक सह प्रसंग व्याख्या करना सिखाया था ऑनलाइन, सह प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। सह प्रसंग व्याख्या में जैसे मैंने तुमने कर रखी है उस हिसाब से मत करना, पहले जो कॉपी में मैंने देखी है नीसा कॉपी उसकी तरह नहीं, पहले सुन लो आप। सबसे पहले संकेत संदर्भ सुन लो नहीं, संकेत शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौष्ठव अपना जो पद है आज टॉपिक है वो व्याकरण का बेटा। देखो बेटा अभी मैंने तुमको तो करा दिया है कुछ पद विचार, पद विचार। अब सबसे पहले बात आती है बेटा पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। देखो बेटा मैंने शब्द लिखा लिंग, वचन, कारक, काल। हिंदी में लिंग दो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में वचन दो होते हैं एक वचन और बहुवचन, हिंदी में कारक आठ होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की रा रे री ना ले नी अधिकरण, और हिंदी में अधिकरण मैं पे पर और संबोधन हे ओ अरे, यानी कारक आठ होते हैं। काल तीन होते हैं वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल। अब बात आती है पद किसे कहते हैं। देखिए बेटा जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल जुड़ जाता है उसे हम पद कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल जुड़ जाता है उसे हम पद कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल जुड़ जाता है उसे हम पद कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आइए आगे चलते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। आपसे पूछ लिया जाए कि रूप परिवर्तन के आधार पर पद के कितने भेद होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर पद के दो भेद होते हैं, एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। पद के कितने भेद हैं, दो, विकारी और अविकारी। अब हमने यहां लिख रखा है, यहां ध्यान देना है सबसे ज्यादा। मैंने यह कहा था कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल जुड़ जाता है उसे हम पद कहते हैं, ठीक। आगे लिखा है मैंने रूप परिवर्तन के आधार पर पद के भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर पद के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी पद। पद देखिए बेटा मैं परिभाषा बोल रहा हूं इसकी, कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिखिए आप पद की परिभाषा में बोल रहा हूं, जिन शब्दों में देखो मैं लिख रहा हूं जी, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक इनके रूप काल के अनुसार
परिवर्तित होते हैं उसे विकारी पद कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, इनके रूप, काल का मतलब समय, समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। अब लिखिए विकारी के भेद। विकारी के भेद नंबर एक संज्ञा, नंबर दो सर्वनाम, नंबर तीन विशेषण, और नंबर चार क्रिया। विकारी के कितने भेद हैं? चार। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। यहां से देख लीजिए, ये हो गया आपका विकारी। विकारी की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। विकारी के कितने भेद हैं? चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब लिखिए अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी पद कहते हैं। यह किसकी परिभाषा हो गई? अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। ठीक है, परिवर्तित होते हैं वो कौन से होते हैं? विकारी। और परिवर्तित नहीं होते वो अविकारी। अब लिखिए अविकारी के भेद। अब लिखिए आप अविकारी के भेद। अविकारी के भेद के भेद नंबर एक क्रिया विशेषण, नंबर दो समुच्चय बोधक, बोधक, नंबर तीन संबंध बोधक, और नंबर चार विश्वादि बोधक। अविकारी के भी चार भेद होते हैं। लिख लिया आपने, सुन लेना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विश्वादि बोधक। यहां तक कोई समस्या? फिर सुन लो एक बार। सबसे मैंने पहले कहा था, मैंने पद किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल जुड़ जाता है उसे हम पद कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल जुड़ जाता है उसे पद कहते हैं।
रूप परिवर्तन के आधार पर पद के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी की परिभाषा क्या है बेटा? देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार, काल का मतलब समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उसे हम विकारी पद कहते हैं या उन्हें विकारी पद कहते हैं। विकारी के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, अब आइए अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके रूप काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे हम अविकारी पद कहते हैं। इसके अविकारी के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यहां तक कोई समस्या? तो ये हो गए पद के भेद। अब सबसे पहले लेंगे हम, देखिए सुनना मेरे ध्यान से, विकारी के भेद हैं। और सबसे पहला कौन सा भेद है विकारी का? संज्ञा। तो हम संज्ञा पद परिचय कैसे करेंगे? पहले संज्ञा पद परिचय करने के लिए हमें संज्ञाओं के भेदों के बारे में जानकारी लेनी है, फिर संज्ञा पद परिचय बनाने के नियम के बारे में जानना है, तभी हम संज्ञा पद परिचय कर सकते हैं। समझ लो मेरी बात। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय, आप ये बात तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो संज्ञा, और आप बारहवीं में आ गए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हमें समझना है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर किसी प्राणी का नाम आ जाए, प्राणी का नाम, जैसे मान लो कोई लड़के का नाम मोहन है, सुरेश है, महेश है, यानी कोई भी प्राणी का नाम हो, नाम में हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समझ लो मेरी बात। अगर किसी प्राणी का नाम आ जाए तो नाम में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। जैसे हमने कहा अनीता, अनीता स्त्री का नाम है, तो इस शब्द में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी प्राणी का नाम होना चाहिए, नाम में हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरी बात सुनिए मेरी, अगर किसी स्थान का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? स्थान का। जैसे जयपुर है, बंबई है, कलकत्ता है, आगरा है, दिल्ली है, स्थान के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तीसरी बात, अगर कोई विशिष्ट वस्तु है, विशिष्ट माने एक ही है, एक ही वस्तु है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, सूर्य है, चंद्रमा है, एक ही हो, उसमें भी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समझ गए? किसी प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, और कोई एक ही प्रसिद्ध वस्तु हो, उसमें भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। अब आइए दूसरी है जातिवाचक। ऐसी संज्ञा शब्द जो अपनी विशिष्ट या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का, विशेष जाति का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए शेर जंगल में घूम रहा है, तो शेर अपनी पूरी शेर जाति का बोध करा रहा है। लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, टेबल, पंखा, पेन, कमरा, हवाई जहाज, पुस्तक। समझ लो मेरी बात। लड़की, मनुष्य, स्त्री, औरत, इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। अब सुनिए मेरी तीसरी बात, तुमने अगर हिंदी में प्रत्यय पढ़े हो कि जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं, कहां जुड़ते हैं? पीछे। पहले तो उपसर्ग जुड़ते हैं,
जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता लाते हैं उसे हमें प्रत्यय कहते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने गुण दशा भाव आदि का बोध कराते हैं। गुण दशा भाव, जैसे मैंने लिखा मैं मुझे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। अब यहां देखिए बेटा, बुढ़ापा संज्ञा ये भाव प्रकट कर रहा है, बुढ़ापा शब्द, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। या आप सीधे ध्यान रखो कि जिस संज्ञा शब्द में क्या जुड़ जाता है? प्रत्यय। जिस संज्ञा शब्द में प्रत्यय जुड़ जाता है वो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। जैसे मैंने लिख दिया इच्छा, आप्रत्यय जुड़ गया, कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। मैंने लिख दिया स्वतंत्रता, कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। तो ये ध्यान रखना है। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक में प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, कोई एक ही प्रसिद्ध वस्तु हो। जातिवाचक में जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे आप जातिवाचक में कुत्ता रख लो, बिल्ली रख लो, गाय, घोड़ा, भैंस, लड़का, लड़की, मनुष्य, स्त्री, टेबल, पंखा, कुर्सी, विद्यालय, हवाई जहाज, ये सभी शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। भाववाचक की मैंने क्या कही है? कि जिस संज्ञा शब्द में क्या जुड़ जाए? प्रत्यय। वो कौन से शब्द होंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिख दिया बुढ़ापा, इच्छा, ईमानदारी, स्वतंत्रता। समझ गए? अब आइए आगे चलते हैं। ये तो संज्ञा के बारे में जानकारी हुई, परिचय हुआ। अब संज्ञा पद परिचय बनाने के नियम, संज्ञा पद परिचय बनाने के नियम। नियम देखिए बेटा, ध्यान से सुनना। नंबर एक, संज्ञा का भेद। नंबर दो, संज्ञा का लिंग। नंबर तीन, संज्ञा का वचन। नंबर चार, संज्ञा का कारक। नंबर पांच, क्रिया का संबंध। ये संज्ञा पद परिचय बनाने के पांच नियम हैं। संज्ञा का भेद, संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन, संज्ञा का कारक और क्रिया का संबंध। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग हिंदी में दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन हिंदी में दो होते हैं, एकवचन, बहुवचन। कारक हिंदी में आठ होते हैं, मैंने अभी बताया, कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण, मैं, पे, पर और संबोधन, हे, ओ, अरे। अब हम प्रश्न कैसे आता है वो सुनिए। परीक्षा के अंदर हमने लिखा, यहां सुरेश ने, सुरेश ने आम खाया। अब हमने अंडरलाइन किसको किया बेटा? सुरेश को, क्योंकि जब हम संज्ञा पद पर चेक करते हैं तो संज्ञा रेखांकित मिलेगी हमें, चाहे कोई प्राणी का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, कोई भी चीज हो, चाहे प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, संज्ञा शब्द होते हैं। अब जिसको हम पद परिचय कर रहे हैं उसकी सुनिए, अलग लिखेंगे सुरेश, बराबर का निशान लगाओ।
अब यहां देखो संज्ञा का भेद, सुरेश में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, तो यहां लिख देंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक कोमा लगाओ। नियम नंबर दो, संज्ञा का लिंग, सुरेश पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो यहां लिख देंगे हम पुल्लिंग। नियम नंबर आपका तीन, संज्ञा का वचन, सुरेश एक वचन या बहुवचन? एक वचन। नियम नंबर चार, संज्ञा का कारक, सुरेश ने कौन से कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, तो यहां लिख देंगे हम कर्ता कारक। अब अगला है क्रिया का संबंध, इस वाक्य में क्रिया कौन है? खाया। या तो आप सीधा लिख दो कि इसकी क्रिया खाया, या खाया क्रिया का कर्ता, खाया क्रिया का कर्ता। इसकी क्रिया क्या हो गई बेटा? खाया, सीधा लिख दो आप तो, इसकी क्रिया खाया। ठीक, कर लोगे? अब यहां तो चिन्ह दे दिया हमने, जो तुमने आसानी से पहचान लिया, ठीक है कि भाई कारक इसमें यह है। अब मान लो कभी कभी कर्ता हो या कर्म हो, उसके सामने चिन्ह नहीं हो, तो हम कैसे पदपद्य करेंगे? सुनिए अगला, जैसे हमने लिखा सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, किसको अंडरलाइन किया? सीता को। पदपदच किसका होगा? सीता का। देखिए बराबर करना, सीता में कौन सी संज्ञा है? तो यहां कौन सी कर देंगे? व्यक्तिवाचक। सीता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो यहां कर देंगे स्त्रीलिंग। एक वचन या बहुवचन? एक वचन। अब आती है चौथा नियम अपना, कारक। देखिए इस वाक्य में कर्ता स्वयं सीता है, पत्र कर्म है और लिखती क्रिया है। अगर उसने कर्ता को रेखांकित किया है तो कारक भी कौन सा होगा? कर्ता। तो यहां लिख देंगे कर्ता कारक। और लिखती इसकी क्रिया। क्रिया ये हो गया आपका पदपदच। कर लोगे? कोई समस्या? ये दो नंबर में आता है ये। अब ये तो हुआ संज्ञा पदपदच। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पदपदच्य। ये विकारी का पहला भेद है। विकारी के चार भेद बताए थे मैंने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो प्रश्न जो देता है वो इस तरह से देगा, ये नहीं पूछेगा तुम्हें तो संज्ञा के भेद को, संज्ञा की परिभाषा नहीं, ये तो इनका पदपरिचय करने के लिए आपको समझाया है। अगर हम सर्वनाम पदपरिचय करेंगे तो सर्वनामों के भेदों को जानना जरूरी है, तभी हम पदपरिचय कर सकते हैं, अन्यथा पदपरिचय नहीं कर सकते। तो ये हुआ आपका ये काम। अब आगे चलते हैं, देखिए बेटा अगला भेद है विकारी का सर्वनाम। सर्वनाम पद परिचय, पद परिचय ये टॉपिक है अगला। तुम सभी जानते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छह। देखिए यहां नंबर एक, पुरुषवाचक। नंबर दो, निश्चयवाचक।
नंबर तीन अनिश्चयवाचक, नंबर चार संबंधवाचक, नंबर पांच प्रसन्नवाचक और नंबर छह निजवाचक। सर्वनाम के छह वेद हो गए। परिभाषा मैंने आपको बताई दी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह वेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रसन्नवाचक और निजवाचक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक। किसे कहते हैं सुनिए, हमने यहां लिखा कहने वाला, फिर लिखा हमने सुनने वाला, तीसरा लिखा हमने जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। टाइम हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम पुरुषवाचक के भेद। पहला भेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के तीन भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक की परिभाषा क्या बताई मैंने, कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाला होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात की जाए वो कौन सा होता है, अन्य पुरुष। ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं। उत्तम पुरुष में कौन आता है, कहने वाला। मध्यम पुरुष में कौन आता है, सुनने वाला। अन्य पुरुष में कौन आता है, जिसके बारे में बात की जाए। लेकिन हमें तो इन शब्दों को जानना है। देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूं। लिखिए आप मैं, हमें, मुझे, अपना, अपनी आदि। मैं, हमें, मुझे, अपना, अपनी आदि, ये तो है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आप आदि। ठीक। अन्य पुरुष में यह, वह, ये और वे आदि। ये हो गए।
देखिए बेटा, पुरुषवाचक की परिभाषा तो हो गई कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाए। पुरुषवाचक के तीन भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में शब्द कौन कौन से, मैं, हमें, मुझे, अपना, अपनी। मध्यम पुरुष में तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आप। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। अब तुमसे ऐसे शब्द रेखांकित मिलेंगे, इनको पहचान। जैसे हमने लिख दिया वह तुम्हारा भाई है, भाई है। अब यहां इसको अंडरलाइन कर दिया उसने, तो तुम्हें ये तो पता लग जाएगा भाई इसमें कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष भाई तुम्हारा शब्द है, तो इसलिए इनकी पहचान जरूरी है। ठीक है, ये सर्वनाम के छह भेद हो गए। पहला भेद है। दूसरा है आपका निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? निश्चितता। उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक के शब्द कौन कौन से, देखिए हमने यहां लिख दिया निश्चयवाचक। यह, यहां देखना अन्य पुरुष में भी है ये, और यही इसमें, यह, वह, ये और वे आदि। इसकी परिभाषा क्या बताई हमने आपको, कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तुम कहोगे साहब ये शब्द अन्य पुरुष में भी है, यह है, वह है, ये है, वह है, और ये निश्चयवाचक में हम पहचान कैसे करेंगे? तो सुनिए बेटा, जैसे हमने लिखा यहां, देखो एक अगर कोई व्यक्ति और वस्तु निश्चित होता है, जैसे मैंने लिखा यह मेरी कार है, कार है। अब हमने यह को अंडरलाइन कर दिया, तो कार निश्चित हो रही है या नहीं हो रही है? अरे हो रही है ना। कार किसकी है? मेरी है। जब वस्तु है कार एक और वो मेरी निश्चित हो रही है, तब तो होगा ये निश्चयवाचक। अगर हमने लिख दिया वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, हम यहां वे को अंडरलाइन कर दिया, वे दौड़ रहे हैं, यानी वे माने तीसरों की, अन्य की बात हो रही है, अन्य लड़कों की बात हो रही है, तीसरों की बात हो रही है। जब अन्य की बात होती है, वे दौड़ रहे, उंगली तीसरों की ओर इशारा कर रही है, तब होगा अन्य पुरुष। आगे बात समझ। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु निश्चित होता है, जब तो होगा निश्चयवाचक, और अगर अन्य की बात होती है, कोई तीसरे की बात होती है, तब होगा अन्य पुरुष। तो ये दो सर्वनाम समझ में आए, पहला था पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, आपका है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट नहीं करते हैं। निश्चयवाचक में तो निश्चितता प्रकट करते हैं, ये क्या करा है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट नहीं करते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट नहीं करते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक,
कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं? अनिश्चयवाचक। मैंने क्या कहा आपसे कि ऐसे ही सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता प्रकट नहीं करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई, कुछ, किसी। जैसे हमने यहां लिख दिया कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। समझ गए कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है, किसी शब्द में कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। समझ गए। कुछ हो रहा, मैंने बोला कमरे में कुछ हो रहा है, कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हुए? कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी। तीन आ गए समझ में, आ गए सबकी में। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक। अब बात आती है आपके चौथे की, चौथा कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक कौन सा बेटा? संबंधवाचक। इसकी परिभाषा सुनिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति